तो भाई चलिए चलते हैं, मैं बताता हूँ स्क्रीन में कि कैसे आप अपने पीडीएफ फाइल में भी डिजिटली साइन कर सकते हैं। मतलब उसको प्रिंट करना नहीं पड़ेगा आपको कि प्रिंट करें, साइन करें, फिर से स्कैन करें और फिर से अपलोड करें और फिर से सेंड करें, ये झमेला नहीं रहेगा। मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ डिजिटली साइन कैसे कर सकते हैं एकदम आसान तरीका से। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो भाई देख सकते हैं साइड में मोबाइल स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पर आपको आना है क्रोम ब्राउजर पर, या तो आप लैपटॉप पर कर रहे हैं तो क्रोम ब्राउजर पर आ जाइएगा। और यहाँ पर आना है, आपको एक वेबसाइट सर्च कर देनी है जिस वेबसाइट का नाम है सेजदा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं वेबसाइट है सेजदा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वेबसाइट दिखने लगेगी आपके मोबाइल पर और इसको आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं एडिट ऑफ पीडीएफ फाइल यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा और यहाँ पर सिंपली नीचे आएंगे आप, नीचे आना है आपको और आप देख सकते हैं नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर आपको सिंपली ऐसे ही नीचे आना है और यहाँ पर एक फिल एंड साइन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर जूम करके आपको दिखा रहे हैं फिल एंड साइन, ठीक है। इसी पर क्लिक कर देना है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है जिसमें आपको साइन इन करना है, यानी साइन करना है, ठीक है। तो अपलोड पीडीएफ फाइल पर क्लिक करेंगे, तो पीडीएफ फाइल कहाँ पर है, डॉक्यूमेंट्स में आएंगे, डाउनलोड्स पे आएंगे और यहाँ पर पीडीएफ फाइल्स है, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा पीडीएफ फाइल आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर का एक जगह दिखाई दे रहा है, ठीक है, सिग्नेचर। तो यहाँ पर आना है सिंपली और आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं एक साइन का यहाँ पर है लोगो, इसको आपको क्लिक करनी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू सिग्नेचर, पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड इमेज, चाहे तो आप इमेज पर एक मतलब कागज पर साइन करके उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए सिग्नेचर है, ठीक है, मान लीजिए ये सिग्नेचर है, तो हम ड्रॉ कर देंगे और इसके बाद नीचे हम आएंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करेंगे तो इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एलिमेंट यहाँ पर दिखने लगेगा, ऊपर वाला था हमारा साइन, यहाँ से ले लेंगे और ठीक है, और यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से साइन ले लेंगे और इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, सिग्नेचर की जगह पर हमें लगा देना है। और इसका साइज थोड़ा इसको मैनेज करके हम छोटा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से घुमा भी सकते हैं और इसका साइज भी कम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक यहाँ सिग्नेचर था, इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ पर और यहाँ भी इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ इसको लगा देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नेचर लग चुका है और इसको अप्लाई चेंजेस पर प्रेस करेंगे। इसके बाद प्रेस करने मतलब प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा, इसको सिंपली आपको प्रेस करना है, आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है और इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर सिग्नेचर हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नेचर काफ़ी अच्छा हो गया है, ठीक है। तो ये था फॉर्म जिसमें कि हमें सिग्नेचर करना था, तो आप देख सकते हैं इसमें सिग्नेचर हम कर दिए हैं। ऐसे करके पीडीएफ फाइल में आप सिग्नेचर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी कैसे आप पीडीएफ में साइन कर सकते हैं और डिजिटली साइन कर सकते हैं बिना कोई झंझट के। तो दोस्तों हमारा कर्तव्य था आपको सही जानकारी देना और आपका कर्तव्य है हमारे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।